मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। हमारे सितारों के घर के चक्कर में ना हम अपने घर से बेघर हो गए यार। तुम तो चुप करो यार, एक तो मालिक मकान को एक साल के बाद हमारे किराए का ख्याल कैसे आ गया? कुछ भी करो, रात कहाँ गुजारेंगे? अरे यार, जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले बनाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। भाई रक्षा वाले भाई, हाँ जरा साइड पे मोड़ दे यार, आराम से भाई आराम से। बच्चा तारा बाबा खास तौर पर चांद से उतर कर ये खबर देने आए। तारा बाबा आप तो डरा रहे हैं मुझे। डरा नहीं रहा, बचा रहा हूँ बच्चा। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एक सेब किसी का क्या बिगाड़ सकता है भला? सेब नहीं, आ सेब। आ सेब की लड्डू, गुलाम, हनी, जल्दी आओ। क्या क्या हुआ? क्या हो गया? क्या क्या हो गया? आपने सुना तारा बाबा क्या कह रहे हैं? बेगम बावर्ची खाने में प्रेशर कुकर का इतना शोर था कि मुझे आवाज नहीं आई। अरे प्रेशर कुकर को छोड़े आप, तारा बाबा बताएं ना इन्हें। भाई वो आप लोगों के घर में बहुत ही खौफनाक आसिब है। अबे इतनी पुरानी बात अब बता रहा है हमें? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब पुराने दौर की सोचे हैं ना। अब मम्मी जी, आसिब आसिब आज के दौर में होता ही नहीं है। जी मामा, ये लड्डू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा भाई, जैसे आप लोगों की मर्जी। भलाई का तो आजकल दौर ही खत्म हो गया है। हाँ। मैं चलता हूँ फिर। अरे नहीं 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 तारा बाबा, रुकिए रुकिए, लोगों को भला क्या मालूम। अब इस घर को आसिब से पाक सिर्फ आपका अमल और अमलियात ही कर सकते हैं। आप कुछ कीजिए ना तारा बाबा, प्लीज। बस तो फिर दो दिन मैं इस घर में कयाम करूंगा, मैं इनका सफाया करके ही दम लूंगा। ठीक है तारा बाबा, आप सब कान खोल के सुन ले, तारा बाबा यहीं रहेंगे और इनका हर हुक्म मानना है आपने। एक बात और, मैं अपनी जौजा के साथ कयाम करता हूँ, उनका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। जी जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप उन्हें भी ले आइए। बस इस घर को आसेब से पाक कर दीजिए तारा बाबा। फिकर ही ना करो बच्चा। तारा बाबा, आपकी टाइम, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट फीस क्या होगी? नहीं, वो तो मैं जब काम पूरा हो जाएगा फिर ले ही लूंगा। जी बहुत बेहतर। गुलाम, लड्डू, सुन लिया है ना तुमने सब? जी जी जी। बड़े बेवकूफ लोग हैं, दो दिन में भाग जाएंगे, बस फिर उसके बाद तुम और मैं आराम से जिंदगी बसर करेंगे। किराया कहाँ से लाओगे? मुश्तरी से लोगे या चंदा मामा से? किराया भी यही देंगे और घर भी। कौन? क्या बात है? कोई बात नहीं है तारा बाबा। भाई मैं अभी अपनी जौजा से यही कह रहा था कि तानी बेगम के घर के जितनी भी आफतें ना, उनको मैं भगा कर ही दम लूंगा। ये तो आपका बड़ापन है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कुछ खाया पिया भी है या नहीं? किसी को तकलीफ देना अच्छा तो नहीं लगता। अरे भाई ये क्या बात हुई? लड्डू, गुलाम, जल्दी आओ। जी 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 बेगम। तारा बाबा की खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? भाई एक काम करो, मेरे लिए एक प्याली गर्म गर्म चाय की ले आओ, इलायची का तड़का मार के, और हाँ पत्ती रोक के और दूध ठोक के। तारा बाबा, ये घर है कोई ढाबा नहीं है। सर जी, मुझे तो ये लगता है कि ये किसी ढाबे पे ना पहले पार्ट टाइम नौकरी करता रहा है। आप दोनों होश में हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपसे कह रही है? जी नहीं, मैं इनसे नहीं, आप दोनों से कह रही हूँ। वैसे तारा बाबा, दीदी माजरत के साथ, ये कहकशा भाभी क्या लेंगी? कहकशा भाभी? आप तारा बाबा तो आपकी बीवी कहकशा भाभी हुई ना। मुझे भी एक कप चाय चाहिए मलाई मार के। अगर हम इलायची मारेंगे, मलाई मारेंगे, इतना सब कुछ मारेंगे तो चाय का जायका ही मर जाएगा ना। क्या कह रहे हो लड्डू? कुछ नहीं मामी जी, मैंने कहा हम यूं गए और यूं लाए। यूं लाए? यूं। तारा बाबा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप लड्डू और गुलाम को आवाज मार के, ओ मेरा मतलब है कि आवाज दे के बुला लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है।
जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। और कुछ चाहिए? नहीं, जब तक बनने वाले मौजूद हैं तो बनाने वाले तो बनाएंगे। सुसर जी कुछ करें, वरना जो ये तारा बाबा है ना, हमें दिन में तारे दिखा देगा। अरे यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ भूत भगाने नहीं आए, बल्कि अपनी छुट्टियां गुजारने आए। भूत? कहाँ है भूत? सुसर जी, भूत है नहीं, लेकिन है यार ये तुम तारा बाबा के काम कर करके बिल्कुल उनकी ही जैसी बातें करने लगे हो यार। अरे नहीं सुसर जी, मेरे जहन में तारा बाबा को भगाने के लिए एक धांसू आइडिया है। करी भाई, चले क्या? नहीं नहीं, अगर मामा को पता चल गया तो? ये चाहती हो कि वो भूत का ढोंग रचा कर तुम्हारी मम्मी जी के पैसों पर हाथ साफ करता रहे? ये चाहती हो कि वो हमारी भोली भाली मम्मी हुजूर को बेवकूफ बनाता रहे? तुम ये चाहती हो कि उसके फजूल फैसले हमारे घर के फैसलों पर नजरअंदाज होते रहे? बोलो, तुम ये चाहती हो? बोलो बोलो। नहीं, बस कीजिए आप लोग, बस करें बस अपना ये सवालिया प्रोग्राम। मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा? समझ गई, अच्छा मैं जा रही हूँ। कौन कौन? अरे मैं लड्डू। मैं गुलाम। तारा बाबा, हम आपके साथ ही सोएंगे आज। क्यों भाई क्यों? वो हमें आसिफ ना हर जगह पे दिखाई दे रहा है। कहाँ भाई? अंदर। अरे हर जगह भाई, हर जगह। अरे वो कौन है? वो कौन? कौन? ये तो कोई नजर नहीं आ रहा। तुझे नजर आ रहा लड्डू? अरे आ रहा नहीं, आ रही है। मगर सुसर जी, मुझे तो ना कुछ दिख रहा है ना दिख रही है, मगर मुझे लगता है कि तारा बाबा को डर लग रहा है। डर? मैं क्यों डरूंगा? मैं अपने हेलम से ठीक कर लूंगा। तो चलो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, चलो चलो, सोने की जा रहे हैं भाई। तुम कब लेकर? अरे मुझे, अबे पागल पागल हो गए होगे तुम लोग? मैं वहां बैठ के नीचे सो जाऊंगा। जा यार। जल तू चला, तू आए बड़ा गुटरा, तू शिवान क्या देख लिया भाई? आओ जी, बोल दे तू भी। Ah
एक बात है सुसर जी, उसकी शक्ल देखने वाली थी। अरे मैंने कहा था ना ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा। अरे यार वो हनी कहाँ है? वो दूसरे शूट के लिए तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ, वो गेटअप ही कर रही थी इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने उसको सारा प्लान समझा दिया कि आगे क्या करना है। तो बस फिर हो जाए एक और बारी। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो मैं जाऊं? निकल लो, मैं भी बस आया एक मिनट में। पहली बारी मेरी। भाई पहली तुम्हारी है तो दूसरी तो मेरी है ना। तो दूसरी भी ले लो। भैया उधर को अलमारी में सो जाऊंगा। भैया अल्लाह के नाम पे, भैया बात सुनो, अलमारी सुनो, मेरी बात सुनो सुनो। पहले तू अरे सुसर जी, हनी ने तो कमाल कर दिया। आखिर बेटी किसकी है? पूछने बता रहे। बता रहा हूँ यार, मैं ये सोच रहा था कि वो कितनी अकलमंद, कितनी समझदार वरा। और मैं? आप, अरे सुसर जी टाइम देखे ना, कितना टाइम हो गया है। हुँ? रात बहुत हो गई है, आराम करना है। हाँ यार सही है, लेकिन यार अपना काम तो हो गया है ना। मैं ये सोच रहा हूँ जितना सब कुछ तारा बाबा के साथ हो गया है, उसके बाद ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, एक मिनट नहीं टिकेगा। बिल्कुल सही, उसका बाप भी नहीं टिकेगा। अरे तारा बाबा, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? जी बस हम जा रहे। अरे आप तो हमारी मुश्किल हल करने आए थे, हमें आसेफ से निजात दिलाने आए थे। जी नहीं नहीं, असल में हमारे घर में ना इमरजेंसी हो गई, तो हमारा जाना बहुत जरूरी है। जी नहीं 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 नहीं, ऐसे ना जाइए, अगर आप इस तरह गए ना तो तानी बेगम हम पे नाराज होंगी। अरे बाढ़ में गई तानी बेगम, चले बेगम। अरे तारा बाबा बात तो सुने, रुक जाते तो अच्छा था। वाह भाई वाह लड्डू, जरा इस कहानी का मेन किरदार हनी को तो बुलाओ। अरे सुसर जी, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए उसको, क्या एक्टिंग की है भाई, क्या वाह 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 वाह, भगा दिया उसको। देखो ये तो गए, मगर वो तो सो रही है, रात भर एक्टिंग करती रही है, गेटअप करती रही, उसे सो नहीं दें। अरे हनी वाह। अरे लीजिए आ गई आपकी एक्ट्रेस अवार्ड याफ्ता। I'm so sorry, papa. अरे सॉरी की क्या बात है इसमें? अरे बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल। You were perfect. क्या हो गया पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा ना सॉरी, वो कल रात में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा सोई कि बस सोती ही रह गई। मगर पक्का प्रॉमिस, आज मैं देखेगा बिल्कुल नहीं सोऊंगी, और जैसा आपने कहा है ना बिल्कुल वैसा ही करूंगी। उन लोगों को आज मैं ऐसा डराऊंगी ना, आप देखेगा, वो लोग सब उल्टे पांव भागेंगे, बस देख लिएगा। मगर अभी मुझे फिर बहुत नींद आ रही है, मैं आती हूँ बाद में, बाय। अरे
ये तो रात भर सोती रही है। ये रात को आई थी वो बहुत देर। मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।